हेलो फ्रेंड्स, हम हैं एग्जामपुर कलम से क्रांति में। मैं सुनम एक बार फिर से आप सभी की अपनी परिवार एग्जामपुर में स्वागत करती हूँ। सबसे पहले गुड मॉर्निंग। सो चलिए हम अपने संडे की शुरुआत करते हैं एक बहुत ही अच्छे सेशन के साथ में। तो आज जो हम लोग क्वेश्चंस करने वाले हैं वो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के बारे में क्वेश्चंस करने वाले हैं। सबसे पहले तो मैं ये बताऊँगी कि ये सेशन आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है क्यों। तो देखिए, जैसे कि आप लोग जानते होंगे कोविड कोरोना वायरस से आई थिंक कोई भी आप में से कोई भी ऐसा नहीं होगा जिसको ना पता हो। तो जिसके चलते वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन जो है काफ़ी इम्पोर्टेंट, ठीक है, काफ़ी इम्पोर्टेंट रोल जो है अपना रखती है, और इससे आपके आने वाले एग्ज़ाम्स में क्वेश्चंस भी काफ़ी पूछे जाने की संभावनाएँ हैं। ठीक है, तो इससे कुछ रिलेटेड ही, ज़्यादा लंबा सेशन नहीं होगा हमारा, सिर्फ छोटा सा ही सेशन है। तो इससे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो हैं वो हम लोग अभी अपनी क्लास के अंदर देखेंगे। ठीक है, आप लोगों से मैं बोलूँगी कि आप लोग इससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस होंगे उनको ज़रूर नोट कीजिएगा, क्योंकि बहुत ही अच्छे क्वेश्चन हैं जो कि मैं आज आप लोगों के लिए लेकर के आई हूँ। ठीक है, तो क्लास को शेयर कीजिएगा, और जो बच्चे अभी जुड़े हैं वो क्लास को लाइक ज़रूर कीजिएगा। तो यहाँ पर बात करते हैं, सबसे पहले हम लोग यहाँ पर हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन वाज इस्टैब्लिश्ड इन, कि विश्व स्वास्थ्य संगठन की स्थापना कब हुई थी, ये आप लोगों को यहाँ पर बताना है। बताइएगा कि WHO जो है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना कब हुई थी। बिल्कुल सही है, यहाँ पे हम लोग आंसर की बात करेंगे तो आंसर क्या होगा आप लोगों का, 7 अप्रैल। क्या होगा आंसर होगा आप लोगों का यहाँ पे, 7 अप्रैल 1948 में, जो कि यहाँ पे आपका ऑप्शन बी में दिया हुआ है। ये बिल्कुल सही आंसर है, इसको नोट कर लीजिएगा कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना कब हुई थी। भाग्य आगे भी इससे रिलेटेड कुछ छोटे छोटे से ही पॉइंट्स हैं, उनके बारे में भी हम लोग देखेंगे। दूसरा हमारा क्वेश्चन है कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन मतलब कि विश्व स्वास्थ्य संगठन के कितने राष्ट्र कितने सदस्य जो हैं कितने सदस्य राष्ट्र हैं, मतलब कि यहाँ पे कितने नेशंस जो हैं वो इसके मेंबर हैं। बताना है आप लोग को कि कितने नेशंस जो हैं वो इसके मेंबर हैं। ठीक है, तो बिल्कुल हम ही लोग यहाँ पे इसके मेंबर की बात करें तो इसके जो मेंबर हैं कितने नेशंस हैं, ये हैं यहाँ पे 194 कंट्रीज जो हैं वो इसके यहाँ पे मेंबर हैं। आप लोगों को ये याद रखना है। ठीक है, हम लोग थर्ड क्वेश्चन करेंगे अपना, थर्ड की हम लोग बात करें यहाँ पे तो तीसरा है हमारा, डैश इज़ द करंट डायरेक्टर जनरल ऑफ WHO, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के महानिर्देशक प्रेजेंट टाइम में कौन है। अगर आप लोग न्यूज़ देख रहे हैं तो आप लोग इसको जानते ही होंगे। बताना है आप लोगों को यहाँ पे, ओके, बताइएगा आप लोग यहाँ पे कि कौन इसके प्रेजेंट टाइम में डायरेक्टर जनरल हैं। तो बिल्कुल हम लोग इसके डायरेक्टर जनरल की बात करेंगे तो आंसर क्या होगा आप लोग का, फर्स्ट ऑप्शन जो कि क्या है यहाँ पे, टेड्रोस अडनोम जो हैं, जो कि इथोपिया के रहने वाले हैं, वो कौन है, वो यहाँ पे प्रेजेंट टाइम में डायरेक्टर जनरल हैं वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग करेंगे आगे। दूसरा हमारा क्वेश्चन है कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का हेड क्वार्टर कहाँ पर है, ये आप लोगों को बताना है। पेरिस में है, हैग्यू में है, जिनेवा में है, Washington DC के अंदर है इसका हेड क्वार्टर। बताइएगा यहाँ पे आंसर आप लोग कि कहाँ पे इसका क्वेश्चन इसका आंसर होगा। बताइएगा, तो बिल्कुल हम लोग यहाँ पे आंसर की बात करें क्या होगा, जिनेवा। क्या होगा इसका आंसर, इसका आंसर होगा यहाँ पे जिनेवा। ठीक है, आंसर की बात करेंगे तो आंसर क्या होगा इसका, जिनेवा इसका बिल्कुल सही आंसर होगा, जो कि यहाँ पे थर्ड क्वेश्चन में है। जिनेवा की बात करें तो जिनेवा स्विट्जरलैंड का एक शहर है। बाकी स्विट्जरलैंड की जो कैपिटल है वो क्या है, वो है स्विट्जरलैंड की कैपिटल है यहाँ पे बर्न। ठीक है, एंड स्विट्जरलैंड का सबसे बड़ा जो शहर है वो है ज्यूरिच। ठीक है, आगे देखते हैं फिफ्थ हमारा क्वेश्चन है कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन इज अ रिकॉग्नाइज्ड मेंबर ऑफ, कि विश्व स्वास्थ्य संगठन जो है इसको मान्यता प्राप्त किस ऑर्गेनाइजेशन से है, मतलब वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन जो है ये किसका पार्ट है, ये आप लोगों को बताना है। ठीक है, बताइएगा
किसका ये पार्ट है? चार ऑप्शन आप लोग को दिए हुए हैं, यूएन सिक्योरिटी काउंसिल का है, वर्ल्ड फूड प्रोग्राम का है, फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन का है, या फिर यूएन डेवलपमेंट प्रोग्राम का है। तो बिल्कुल यहाँ पे हम लोग बात करेंगे, तो ये किसका पार्ट है, ये है यहाँ पे जो कि यूएन है, यूएन का पार्ट है जो कि आपके ए ऑप्शन में दिया हुआ है। ठीक है, यूएन सिक्योरिटी काउंसिल का ये एक पार्ट है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन आएगा सिक्स की द इंडियन डेलीगेशन टू दी फर्स्ट वर्ल्ड कॉन्फ्रेंस इन ह्यूमन राइट्स वाज लीड बाय। ठीक है, मानव अधिकार पर पहले विश्व सम्मेलन में भारतीय प्रतिनिधित्व मंडल का नेतृत्व किसने किया था? ठीक है, मानव अधिकार से रिलेटेड जब सबसे पहला सम्मेलन हुआ था तब हमारे भारत की ओर से किसने जो है हमारे भारत को रिप्रेजेंट किया था? ठीक है, बताना है आप लोगों को, मनमोहन सिंह ने, या फिर फारूक अब्दुल्ला ने, दिनेश सिंह ने, या फिर आलम खान ने? तो यहाँ पे आंसर की हम लोग बात करेंगे तो बिल्कुल हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से पहले जो हमारे प्रधानमंत्री थे कौन थे, वो थे मनमोहन सिंह, जो कि उससे पहले एक फाइनेंस मिनिस्टर भी ये रह चुके हैं। तो आंसर क्या होगा आप लोगों का, आंसर है यहाँ पे मनमोहन सिंह, जो कि आपके फर्स्ट ऑप्शन में यहाँ पर दिया हुआ है। ठीक है, इसको याद रखिएगा, फर्स्ट ऑप्शन मनमोहन सिंह आप लोगों का सही आंसर होगा। सेवन्थ क्वेश्चन करेंगे हम लोग, व्हाट इज़ द ऑब्जेक्टिव ऑफ वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन? वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का आप लोग को बताना है कि इसका उद्देश्य क्या है। ठीक है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की जब स्थापना की थी तो इसका एक ऑब्जेक्टिव होता है कि इसे किसके ऊपर वर्क करना है। ठीक है, क्या इसका ऑब्जेक्टिव है मेन, तो आप लोग को उसके बारे में बताना है कि इसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या है। The attainment by the all pupils of the highest possible level of the health, स्वास्थ्य के उच्चतम संभव स्तर के सभी लोगों द्वारा प्राप्ति, मतलब कि लोग जो हैं वो स्वास्थ्य से रिलेटेड जितनी भी चीज़ों को उन्हें सबसे ज़्यादा गेन कर सके, ये है। या फिर यहाँ पे सेकंड क्वेश्चन, ओके यहाँ पे ऑप्शन जो है वो थोड़ा सेम है एक्चुअली। यहाँ पे सेकंड ऑप्शन है द अटेनमेंट बाय ऑल द सर्वेंट, या फिर सर्वेंट्स के द्वारा स्वास्थ्य प्राप्ति का लक्ष्य है, या फिर कुछ लोगों के द्वारा। थर्ड ऑप्शन जो है कुछ लोगों के द्वारा है, ये सेकंड, ये थर्ड। ठीक है, यहाँ पे सेकंड है, ये आपका थर्ड है, ये आपका थर्ड है सॉरी, और ये फोर्थ है। तो यहाँ पे अगर हम आंसर की बात करेंगे तो बिल्कुल आंसर जो है वो आपका फर्स्ट ऑप्शन जाएगा। ऐसा नहीं है कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन जो है ये सिर्फ कुछ पीपल्स के हेल्थ के ऊपर ही देखता है, सर्वेंट्स के ऊपर देखता है, स्टूडेंट्स के ऊपर देखता है, नहीं, ये सभी वर्ल्ड में जितने भी पीपल्स हैं उन सभी को इक्वालिटी ही प्रदान करता है और सभी की ही हेल्थ के बारे में वर्क करता है। एट्थ क्वेश्चन करेंगे, हु वॉज द फर्स्ट डायरेक्टर जनरल ऑफ वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन? वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के सबसे पहले जो डायरेक्टर जनरल थे वो कौन थे? ठीक है, बताइएगा। प्रेजेंट टाइम का हम लोग देख ही चुके हैं, प्रेजेंट टाइम की बात करें तो कौन है यहाँ पे प्रेजेंट टाइम में डायरेक्टर जनरल, ये है यहाँ पे टेड्रोस अदनोम। ठीक है, जो कि कहाँ के रहने वाले हैं, इथियोपिया के रहने वाले हैं। ठीक है, टेड्रोस अदनोम जो हैं ये प्रेजेंट टाइम में यहाँ के डायरेक्टर जनरल हैं। आप लोग को बताना है कि यहाँ पे कौन है फर्स्ट, याद रखिएगा, यहाँ पे डॉक्टर बी चिसलोम जो हैं ये इसके फर्स्ट डायरेक्टर जनरल रहे थे वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के। ठीक है, जो बच्चे अभी जुड़े हैं क्लास को शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और स्टार्टिंग के क्वेश्चन ज़रूर कीजिएगा। ज़्यादा बड़ा सेशन नहीं है, आप लोग स्पीड बढ़ाकर बाद में भी कर सकते हैं। कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के, क्योंकि देखिए आप लोगों का अगर मैं बात करूँ जीके के अंदर तो ये हिस्ट्री पॉलिटी है आपका, ज्योग्राफी है, इकोनॉमिक्स है, कहीं ना कहीं करंट के ऊपर डिपेंड होती हैं। ठीक है, तो अगर यहाँ पे अभी कोरोना वायरस का काफ़ी मुद्दा जो चल रहा है उससे रिलेटेड जो भी ऑर्गेनाइजेशन वहाँ पर काम कर रही हैं, जैसे कि सार्क से भी रिलेटेड मैं आगे कराऊंगी और मैंने G20 के बारे में भी कराया था, तो इन ऑर्गेनाइजेशन का जो कि अभी रोल हो रहा है, रोल निभाया जा रहा है इनका वर्क के ऊपर, तो ये न्यूज़ में है जिसके चलते यहाँ के क्वेश्चंस काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। चलिए नेक्स्ट, आप लोग को बताना है कि वर्ल्ड हेल्थ डे इज ऑब्जर्व इन विच डेट? विश्व स्वास्थ्य दिवस, मतलब ग्लोबल हेल्थ डे के रूप में भी हम इसको जानते हैं, विश्व स्वास्थ्य दिवस ये किस दिन मनाया जाता है? बताना है आप लोग को विश्व स्वास्थ्य दिवस किस दिन मनाया जाता है।
बिल्कुल, इसकी हम लोग बात करेंगे विश्व स्वास्थ्य दिवस। तो जिस दिन वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की जिस दिन यहाँ पर वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना हुई थी, ठीक है, जिस दिन यहाँ पे वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना हुई थी उसी तारीख को हम लोग यहाँ पे विश्व स्वास्थ्य दिवस के रूप में मनाते हैं। तो ये आपका आंसर किसके साथ में जाएगा, फर्स्ट ऑप्शन के साथ में। और ईयर क्या था, ईयर था यहाँ पे 1948, जब इसकी स्थापना हुई थी। चलिए आगे क्वेश्चन करेंगे नेक्स्ट भी आप लोगों का कि व्हाट इज़ द थीम ऑफ 2020, मतलब कि स्वास्थ्य दिवस की, सॉरी यहाँ पे 19 आएगा क्योंकि अभी जो है 19 का अभी हुआ नहीं है, तो यहाँ पे आप लोगों का आएगा 19, ठीक है। यहाँ पे अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे आएगा आप लोगों का 19। देखिएगा यहाँ पे क्या आएगा, 2019 की हम लोग बात करेंगे। तो इसकी जो थीम रही है वो क्या रही है, वो रही है यहाँ पर यूनिवर्सल वर्ल्ड हेल्थ कवरेज, ठीक है, वो यूनिवर्सल वर्ल्ड हेल्थ कवरेज। चूँकि अभी 2000 हम लोग 20 की बात करें तो 2020 का भी हुआ नहीं है, 2020 में 7 अप्रैल को ये मनाया जाएगा, उसके बाद इसकी थीम को आप लोग याद रखिएगा। नेक्स्ट है यहाँ पे कि लीडिंग पब्लिकेशन ऑन दी हेल्थ वर्ल्ड हेल्थ रिपोर्ट इज इशूड एवरी ईयर बाय, वर्ल्ड हेल्थ रिपोर्ट जो कि यहाँ पे इशू होती है, इसको जो पब्लिश करते हैं वो कौन सी ऑर्गेनाइजेशन पब्लिश करती है। वर्ल्ड हेल्थ रिपोर्ट की बात करें तो इसमें हम भारत की रैंक भरें, तो लास्ट टाइम 2019 में जो हमारे भारत की रैंक रही है वो कुछ यहाँ पे 2019 में वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की बात करें वर्ल्ड हेल्थ रिपोर्ट की, तो इसके अंदर हमारे भारत की 120 रैंक रही है, 120 रैंक रही है। और इसको बिल्कुल सही आप लोग बता रहे हैं, जैसे कि हम लोग वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड क्वेश्चंस भी कर रहे हैं, तो आंसर होगा आप लोग का वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। चलिए ट्वेल्थ क्वेश्चन करेंगे, ट्वेल्थ है हमारा द चेयरमैनशिप या यहाँ पे प्रेजिडेंसी ऑफ द UN सिक्योरिटी काउंसिल, ठीक है, रोटेट्स अमंग द काउंसिल मेंबर। यूएन सिक्योरिटी काउंसिल जो है यहाँ की जो चेयरमैनशिप है वो रोटेट होती रहती है, ठीक है, आज मतलब कि ये बात कर लीजिए मंथली ईयरली जो है रोटेट होती है। तो आप लोग को ये बताना है कि यहाँ पर कितने मंथ में जो है ये रोटेट होती है या फिर ईयर में रोटेट होती है, बताइएगा। ओके, हम लोग इसकी बात करें तो ये कब ये रोटेट होता है, ये होता है एवरी मंथ, ठीक है, हर महीने, और हर महीने अल्फाबेटिकली होता है, जैसे कि किसी का नाम यहाँ पे ए से है, किसी का नाम यहाँ पे बी से है, किसी का नाम यहाँ पे सी से है, ठीक है। तो अल्फाबेटिकली हम लोग बात करें इंग्लिश में अल्फाबेटिक के, तो सबसे पहले ए को प्रीफर किया जाएगा, तो सबसे पहले ए पर्सन जो होंगे उनकी बारी आएगी, देन उसके बाद जो बी सी होंगे उनकी बारी आएगी, एंड देन उसके बाद जो सी सी होंगे उनकी बारी आएगी, ठीक है। इस तरीके से अल्फाबेटिकली जो है उनको प्रीफर किया जाता है एज अ यहाँ पे चेयरमैन शिप के रूप में। चलिए आगे बात करेंगे, अब हम लोग करेंगे यहाँ पे थर्ड क्वेश्चन, ठीक है, अब हम लोग करेंगे यहाँ पे थर्ड क्वेश्चन। थर्टीन हमारा क्वेश्चन है यहाँ पे द इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स कन्वेंशन अडोप्टेड बाय द UN यूनाइटेड नेशंस इन 1990s रिलेटेड टू, 1990 में संयुक्त राष्ट्र द्वारा अपनाए गए अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार सम्मेलन संबंधित है। 1990 में जब इन्होंने मानवाधिकार यहाँ पे अपनाए गए थे, राष्ट्र के द्वारा जब ये मानवाधिकार अपनाए गए थे, तो सबसे पहले एक अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर मुद्दा किस चीज़ का आया था, ठीक है, किस चीज़ का जो है यहाँ पर मुद्दा आया था, तब इन्होंने जो है मानवाधिकार यहाँ पर अपनाए थे, बताइएगा। तो याद रखिएगा यहाँ पे चिल्ड्रन से संबंधित जो है सबसे पहला मुद्दा आया था जब इन्होंने की ये 1990 में इंटरनेशनल लेवल पर अपनाया था। नेक्स्ट हम लोग करेंगे कि टेड्रोस अदनॉम वाज अपॉइंटेड एज द डायरेक्टर जनरल ऑफ WHO बाय द वर्ल्ड हेल्थ असेंबली ऑन,
यहाँ पे वर्ल्ड हेल्थ असेंबली, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के जो कि अध्यक्ष जो कि अपॉइंट होते हैं, ठीक है, जैसे डायरेक्टर जनरल अपॉइंट होते हैं, तो उनको वर्ल्ड हेल्थ असेंबली के द्वारा अपॉइंट किया जाता है। आप लोग को ये बताना है कि इनको किस वर्ष अपॉइंट किया गया था, ठीक है। मैं बता ही चुकी हूँ टेड्रोस अदनॉम जो कि प्रेजेंट टाइम में वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के डायरेक्टर जनरल हैं, ठीक है, इथोपिया के रहने वाले हैं, किस वर्ष इनको अपॉइंट किया गया था। तो यहाँ पे आंसर की बात करें, आंसर होगा आप लोग का जो कि यहाँ पे फोर्थ ऑप्शन दिया हुआ है, फोर्थ बिल्कुल सही आंसर होगा आप लोग का, ठीक है। मतलब कि 1 जुलाई 2017 में इनको अपॉइंट किया गया था। नेक्स्ट चलिए हमारा आगे, द वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन हैज़ 194 मेंबर स्टेट्स इंक्लूडिंग ऑल यूएन मेंबर स्टेट्स एक्सेप्ट डैश एंड 2 नॉन यूएन मेंबर्स, न्यू एंड कुक आइलैंड। बताना है आप लोगों को कि WHO में 194 सदस्य हैं, बिल्कुल हम लोग देख ही चुके हैं इतने यहाँ पे राष्ट्र जो हैं मेंबर के रूप में हैं, जिसमें से संयुक्त राष्ट्र के सभी सदस्य राष्ट्र शामिल हैं, ठीक है। संयुक्त राष्ट्र जो है यूनाइटेड नेशंस के जितने भी मेंबर हैं वो सभी इसमें शामिल हैं, लेकिन किसी एक को छोड़ करके, ठीक है, बजाय इसमें 2 गैर संयुक्त राष्ट्र शामिल हैं उसकी जगह पर, ठीक है, जिसमें कि न्यू और कुक आइलैंड है, बाकी यूएन के जितने भी मेंबर्स हैं वो सभी इसके अंदर इंक्लूड हैं, सिर्फ एक को छोड़ करके। वो आप लोग को बताना है कि वो कौन सा है, बताना है। बताना है मैक्सिको है, लिटिस्केन है, या फिर यहाँ पे एंडोरा है, या फिर स्पेन है। बिल्कुल यहाँ पे हम लोग बात करें, थोड़ा सा आप लोग कंफ्यूज हो रहे हैं, इसको याद रखिएगा, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है ये। यहाँ पे है आप लोगों का जो कि बी ऑप्शन में दिया हुआ है, यहाँ पे लिकेस्टेकन, ठीक है, ये आपका सही आंसर होगा, ठीक है। तो ये भी हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन था, होप आप लोग को क्वेश्चन अच्छे लगे होंगे, ठीक है, होप आप लोग को क्वेश्चन अच्छे लगे होंगे। सेशन काफ़ी छोटा था, और जो WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं वो सभी मैंने क्लास के अंदर मेंशन किए थे, इनको जरूर याद कीजिएगा। छोटा सा सेशन है लेकिन इन क्वेश्चंस को नोट करके याद करूँ जरूर कीजिएगा। दोबारा से रिपीट करती हूँ, कोरोना वायरस की वजह से काफ़ी ये न्यूज़ में है, जिसके चलते ये आप लोगों के एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, तो ये आप लोगों को यहाँ पर याद रखने होंगे, ठीक है, अगर आप लोग अच्छे से अपने एग्जाम में स्कोर करना चाहती हूँ। इससे अलग मैंने G20 से रिलेटेड भी क्वेश्चंस कराए थे, क्योंकि वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग अभी कोविड के ऊपर जो है हुई थी, तो वो भी आप लोग देख लीजिएगा, सर्च करेंगे तो आप लोगों को मिल जाएगा, ठीक है, G20 क्वेश्चन रिलेटेड क्वेश्चंस बाय सोना मैम इस तरीके से। सो आज के हम लोग सेशन यहीं पे ऑफ करते हैं, बाकी मेरी दोपहर में 2 बजे क्लास होनी है, ठीक है, जो कि कल ग्रुप डी से रिलेटेड थी लेकिन कल नहीं हो पाई थी, तो वो आज अपनी क्लास कर रहे हैं हम लोग 2 बजे। आज थोड़ा सा स्लॉट जो है वो 2 बजे का हमें फ्री मिला है, तो 2 बजे उसको करेंगे हम लोग। और बाकी मेरी दोपहर 12 बजे में हम लोग जनरल अवेयरनेस के क्वेश्चंस कर रहे हैं, तो आप लोग अपनी जनरल नॉलेज को काफ़ी इंप्रूव करने के लिए दोपहर 12 PM का सेशन ले सकते हैं, जो कि मंडे से लेकर के सैटरडे तक यहाँ पर होता है, ठीक है। और करंट अफेयर जरूर किया करो बच्चों, करंट अफेयर्स आप लोग अपने स्ट्रॉन्ग करोगे तो तभी आप लोग अपनी जीके को अच्छे से इंप्रूव कर पाओगे, ठीक है। सुबह में विवेक सर 6:30 बजे करंट अफेयर की क्लास कराते हैं, तो विवेक सर की जरूर क्लास किया करो सुबह की। चलिए मिलेंगे अब नेक्स्ट हम लोग क्लास में, लाइक जरूर करना है, शेयर जरूर करना है, क्लास कैसे लगी आप लोग को बताना है, और अच्छा हम लोग इसमें कर सकते हैं तो आप लोगों को सजेशन यहाँ पर देने हैं, ठीक है। तो मिलेंगे अब नेक्स्ट हम लोग क्लास में, थैंक यू स्टूडेंट्स, एंड जय हिंद जय भारत।